Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 12 of complex analysis by Denizel Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 को डिस्कस करें। इन प्रॉब्लम्स 1 टू 12 स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इन क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको सॉल्व करके उनके ग्राफ को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पर स्केच करना। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम सर्कल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम सर्कल को जेड माइनस जेड नॉट का मॉड विच इज इक्वल टू रॉ इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो रो है स्टूडेंट्स, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसको आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर जो रो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, जेड नॉट क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पर जो ब्लैक पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सर्कल है। ऐसे पॉइंट्स जेड जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सर्कल पर लाई करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। सपोज जेड नॉट विच इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस योटा वाई नॉट। सिंस जेड माइनस जेड नॉट का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स जेड एंड जेड नॉट। आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होती है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस को शो करती है। तो यहाँ पर जो मॉड है ये डिस्टेंस को शो करते हैं। अब ये मॉड किन दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान है, ये जेड और जेड के दरमियान। तो जेड माइनस जेड नॉट का मॉड ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस को शो करते हैं जेड और जेड नॉट के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये स्टूडेंट्स जेड नॉट पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर कोई जेड ले लेते हैं पॉइंट, तो जेड और जेड नॉट के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे जेड माइनस जेड नॉट का मॉड। और ये कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ये रो हो जाता है डिस्टेंस, इस तरह ये रो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर ये रो हो जाता है तो हम लिखेंगे जेड माइनस जेड नॉट का मॉड विच इज इक्वल टू रो। तो ऐसे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सर्कल पर लाई करेंगे। यहाँ पर जो रेडियस होगा वो ग्रेटर देन जीरो, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स रो है ये रेडियस को शो करते हैं, और जो स्टूडेंट्स जेड नॉट है ये सेंटर को शो करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है z माइनस फोर प्लस थ्री आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू फाइव। तो अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम यानी इस वैल्यू से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो अब ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें इस फॉर्म में मिलती है, यानी जेड माइनस इंटू फोर माइनस थ्री आयोटा। यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ पर जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस आ गया। तो फोर माइनस थ्री आयोटा। तो अगर आप इस इक्वेशन को जेड माइनस जेड नॉट का मॉड विच इज इक्वल टू रॉ इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें z नॉट की क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ से हमें मिल रही है 4 माइनस थ्री आयोटा। तो आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ कि जो z नॉट होता है ये सेंटर को शो करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन होगी जिसका रेडियस 5 होगा और सेंटर क्या होगा, 4 माइनस थ्री आयोटा होगा। तो अगर आप इसे स्केच करें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर तो स्टूडेंट इसका ये ग्राफ होगा, ठीक है, सर्कल। तो
अगर आप स्टूडेंट्स वैसे इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, तो ये इक्वेशन भी सर्कल की ही इक्वेशन है, ठीक है। तो वैसे आप एक्स वाई प्लेन में सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे आप ये एक्स वाई प्लेन में इस तरह सर्कल की इक्वेशन आप लिखते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हम जेड माइनस फोर प्लस थ्री आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू फाइव, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अगर आप इसे स्केच करेंगे तो ये रिक्वायर हमारे पास सर्कल आएगा, जिसका यहाँ पर क्या होगा समवेयर, यहाँ पर क्या होगा ये इसका सेंटर होगा, वो क्या होगा स्टूडेंट्स 4 माइनस थ्री आयोटा, ठीक है 4 माइनस थ्री आयोटा। देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ये इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर आप x यहाँ पर z की वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू क्या आएगी x प्लस आयोटा y, फिर आप स्टूडेंट ये माइनस फोर प्लस थ्री आयोटा लिखेंगे माइनस फोर प्लस थ्री आयोटा, फिर ये मॉड आ जाएगा इक्वल आ जाएगा फाइव, फिर आप यहां से रियल को कंबाइन करेंगे यहां से आ जाएगा x माइनस फोर, फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो यहाँ पर आयोटा कॉमन लेके लिख देंगे आगे y प्लस थ्री इसका मॉड विच इज इक्वल टू y, फिर आप स्टूडेंट्स ये मॉड ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस फोर का स्क्वायर प्लस y प्लस थ्री का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ये इक्वल आ जाएगा फाइव के। तो यहां से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा x माइनस फोर का स्क्वायर प्लस y प्लस थ्री का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। देखें यही इक्वेशन आ रही है यहां पर x माइनस फोर का स्क्वायर प्लस y प्लस थ्री का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। जब आप इसे स्केच करेंगे स्टूडेंट्स डिस्मोस कैलकुलेटर पर यहां से स्टूडेंट्स आपके पास ये ग्राफ आएगा, तो यही हमारे पास क्या है सर्कल है जिसका सेंटर क्या है फोर माइनस थ्री आयोटा है और इसका रेडियस क्या है ये सेंटर है इसका, यहाँ पर अगर आप एक ही पॉइंट हो जाते हैं तो ये रेडियस स्टूडेंट्स फाइव को शो करता है, इसका रेडियस फाइव है और सेंटर क्या है फोर माइनस थ्री आयोटा। तो ऐसे पॉइंट्स जेड जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसी सर्कल पर ही लाई करेंगे, तो इस सर्कल पर अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं जेड, तो जब आप स्टूडेंट्स इस चीज को सॉल्व करेंगे यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखेंगे फोर, यानी ये जेड नॉट है ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट जेड को लेते हैं तो जब आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमेशा फाइव ही आएगा, ये आप स्टूडेंट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं ठीक है, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, वो आप लेंगे z लेंगे और फिर ये z नॉट हमें गिवन है ये है फोर माइनस थ्री आयोटा, फिर इनके दरमियान आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो हमेशा फाइव ही आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसी सर्कल पर ही लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पर हमें गिवन है z प्लस टू आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू टू, तो ये भी स्टूडेंट्स सर्कल की इक्वेशन है। तो देखें ये सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव, फिर यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव टू माइनस टू आयोटा। जब आप इस नेगेटिव से आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी जेड प्लस टू प्लस टू आयोटा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये हमारे पास जेड नॉट है, ये स्टूडेंट्स क्या है जेड नॉट। हमने स्टूडेंट्स वही फॉर्म लेके आनी है, यानी जेड माइनस जेड नॉट का मॉड विच इज इक्वल टू रॉ, आपने यही फॉर्म लेकर आनी है। तो यहां से आप देखेंगे ये हमारे पास जेड नॉट होगा, सेंटर होगा, ये रॉस का रेडियस होगा। तो यहाँ पर देखें रेडियस हमारे पास टू है और सेंटर क्या है, ये है माइनस टू माइनस टू आयोटा। देखें यहाँ पर ये आप कह रहे स्टूडेंट्स, ये देखें ये सेंटर बन रहा है, अगर आप इसको देखें ये माइनस टू आयोटा है और ये स्टूडेंट्स क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ये माइनस टू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए माइनस टू पॉइंट है, ये जीरो है, ठीक है। तो आप इसको समझ लें ये एक्स एक्सिस और ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर की लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये स्टूडेंट्स जो है हमारे पास वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास सर्कल बन रहा है कौन सा, जेड प्लस टू प्लस टू आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू टू, ठीक है। जब आपने इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जब आप जेड प्लस टू प्लस टू आयोटा को जिस तरह हमने प्रीवियस देखा है, तो यहां से हमें ये इक्वेशन मिलेगी एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस फाइव प्लस टू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर। तो जब आप इसे डिस्मॉस कैलकुलेटर पर स्केच करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ से ये सर्कल आएगा। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो जेड नॉट है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास माइनस टू और माइनस टू आयोटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स ये माइनस टू आयोटा है ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट क्या है माइनस टू। तो ये दोनों इस पॉइंट पर आपस में मिल रहे हैं, तो ये इसका जेड नॉट सेंटर होगा और रेडियस स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं रेडियस हमारे पास टू है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन भी टू है, इसका रेडियस टू है और इसका सेंटर क्या है स्टूडेंट्स माइनस टू माइनस टू। तो यहाँ पर इस तरह इसको आप स्केच करेंगे सॉल्व करेंगे। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है जेड प्लस थ्री आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू टू। तो देखें स्टूडेंट्स हम जेड प्लस थ्री आयोटा को किस तरह लिख सकते हैं, जेड माइनस एन टू माइनस थ्री आयोटा। तो ये अगेन सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर माइनस थ्री आयोटा है और रेडियस क्या है टू है। तो अगर आप वैसे इसको सॉल्व करेंगे देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, क्या आएगी ये इक्वेशन आएगी। तो देखें जब आप इसे z प्लस थ्री आयोटा को सॉल्व करें क्या आते हैं, z प्लस थ्री आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू टू। पहले आप लिखेंगे z, z लिखेंगे स्टूडेंट्स आप x प्लस आयोटा y, फिर प्लस थ्री आयोटा, यहाँ पर थ्री आयोटा, ठीक है, ये इसका मॉड विच इज इक्वल टू टू। और फिर आप स्टूडेंट्स ये एक्स यहाँ पर अलग हो जाएगा और आप यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा वाई प्लस थ्री विच इज इक्वल टू टू। यहाँ पर आप मॉड लिखेंगे, जब आप मॉड ओपन करेंगे स्टूडेंट ये सिंपल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर। ये इक्वेशन आप यहां पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फोर। जब आप इसे करेंगे स्केच करेंगे स्टूडेंट्स तुम्हारे पास ये ग्राफ आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है या रियल एक्सिस है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस।
अगर आप देखें सेंटर इसका, तो ये हमारे पास सेंटर है इस सर्कल का, ये क्या है -3 iota, ठीक है। देखिए ये नेगेटिव है ना, ये देखें ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स पॉइंट इसका सेंटर क्या है सर्कल का, -3 iota। देखें इसका सेंटर हमारे पास क्या है, जेड नॉट विच इज इक्वल टू -3 iota, और रेडियस क्या है 2 है। तो आप देख सकते हैं ये वाली 2 वाली लाइन है, ये टोटल लाइन। तो आप यहाँ तक अगर इसको देखें तो ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है और सेंटर जेड नॉट क्या है वो -3 iota है। तो ये इस तरह आप इसको स्केच करेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें गिवन है 2z-1 cmod विच इज इक्वल टू 4। तो देखें अगेन ये एक सर्कल की इक्वेशन आएगी, इसको पहले हम स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं। देखें 2z-1 cmod विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आप 2z-1 से 2 कॉमन लें, तो ये आ जाएगा 2 into z-1/2 इसका मॉड विच इज इक्वल टू 4। फिर आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं z cmod.z-1/2 cmod = 4। ये 2 कोई पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड वही 2 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2.z-1/2 cmod = 4, फिर इस 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा z-1/2 cmod = 4/2। तो जब आप 4/2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल आ जाएगा 2। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, z-1/2 cmod = 2। तो अगेन स्टूडेंट्स इस चीज को अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, जेड नॉट है, यानी 1/2, ये क्या है जेड नॉट। तो ये अगेन एक हमारे पास क्या आ रही है, सर्कल आ रहा है, सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 2 है, जिसका सेंटर क्या है 1/2, ठीक है। तो वेयर स्केच ऑफ 2z-1 cmod = 4 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 विद सेंटर 1/2। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स z नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, वो 1/2 है। अगर आप इसे स्केच करेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड पर इसका ग्राफ आएगा। वैसे स्टूडेंट्स जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 2z-1 cmod = 4, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, जब आप 2z-1 cmod = 4, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्वेशन आएगी। तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x-1 का स्क्वायर + 4y का स्क्वायर = 16। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास यही इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करें, सॉरी विच इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पर हमने 4 ही लिखा है, हाँ 4 ही लिखा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2x-1 का स्क्वायर + 4y स्क्वायर = 16। जब आप स्टूडेंट्स इसे स्केच करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल आएगा। तो ये उस इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ है। तो देखें ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये टोटल एक्स एक्सिस है, इसको आप कह सकते हैं रियल एक्सिस, और ये क्या स्टूडेंट्स हमारे पास वाई एक्सिस। तो सेंटर स्टूडेंट हमारे पास इसका क्या आया, पॉजिटिव 1/2 आया है, तो समवेयर यहाँ पर ये क्या होगा स्टूडेंट, सेंटर होगा 1/2, ठीक है। और इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट हमारे पास 4। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये टोटल जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस क्या होगा 4। तो ऐसे पॉइंट्स जेड जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो स्टूडेंट्स इसी सर्कल पर ही लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम अगर इस पॉइंट को दें, ठीक है, ये वैसे स्टूडेंट्स 2 iota है ये वाला पॉइंट, और अगर आप यहां से इसको देखें तो ये समवेयर 0. ले लें आप इसे 0.3 ले लें, 0.3 + 2 iota। अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर को चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
आपने इसको यहां से देख लेना है कि इसका ये डायरेक्ट क्या वैल्यू बन रही है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसी सर्कल पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। ये टोटल जो हम जो भी यहाँ पर हम जेड लेंगे वो वहां पर आप एक्स की वैल्यू भी लेंगे और वाई की वैल्यू भी लेंगे, ठीक है। यानी टोटल आप कम्प्लेक्स नंबर ही लेंगे। तो यहाँ पर जो जेड होंगे स्टूडेंट्स ऐसे कम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे वो इसी सर्कल पर ही लाई करेंगे। तो ये आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको देख लेना है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमें गिवन है रियल ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 5। तो जेड को स्टूडेंट हम किस तरह लिखते हैं, एक्स प्लस एटा वाई से। तो रियल ऑफ जेड क्या होगा, सिंपल ये एक्स होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट इसका रियल पार्ट होता है जेड का, और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर रियल ऑफ जेड क्या है, वो एक्स है। तो इसका मतलब होगा कि एक्स किसकी इक्वल होगा 5 के। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5। जब आप स्टूडेंट्स इसे स्केच करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो इस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स लेंगे, ये जो स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू 5 है ये क्या है हमारे पास, एक यानी वर्टिकल लाइन है, या आप इसको कह सकती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल इसको कह सकती हैं आप, ठीक है। आप इसको वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5 ये लाइन है। तो ये लाइन स्टूडेंट्स क्या होगी, इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे जेड वो इस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें गिवन है इमेजिनरी ऑफ जेड विच इज इक्वल टू -2। तो जेड क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस एटा वाई होता है। तो यहाँ पर जो एक्स होता है वो रियल पार्ट होता है और वाई क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है कि इमेजिनरी ऑफ जेड विच इज इक्वल टू -2, इसका मतलब होगा कि वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर अगर आप इसे स्केच करेंगे तो ये हमारे पास जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है y इज इक्वल टू -2। तो ये स्टूडेंट्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी अलोंग x एक्सिस, देखिए ये टोटल x एक्सिस है, ये टोटल x एक्सिस है, और ये क्या स्टूडेंट हमारे पास y एक्सिस है। तो y एक्सिस यहाँ पर ये स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव 2 पॉइंट है, -2। हमने स्टूडेंट्स ये स्केच करना था कि y इज इक्वल टू -2। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है y इज इक्वल टू -2। इस लाइन पर जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं यानी लाई करेंगे वो इस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर की, इस कम्प्लेक्स नंबर की देखें ये कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, ये होगा -4 -2 आयोटा। अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो वो क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट इसका, वो आएगा -2। ये जो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जेड है ये -4 -2 आयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है -2। तो देखें यहाँ पर भी 2 आना चाहिए तो ये इक्वेशन लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होगी। अगर आप इस लाइन पर जो भी कम्प्लेक्स नंबर लेंगे उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा -2 ही आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ये y इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें गिवन है इमेजिनरी ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस 3 एटा विच इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने ये बताना है कि इस इक्वेशन को कौन से कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे, वो हमने फाइंड करने है। पहले हम स्टूडेंट्स सिंपल से स्टार्ट करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई से। फिर इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की जगह स्टूडेंट्स ये माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स के जेड कॉन्जुगेट में 3 आयोटा को ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने ऐड किया है, ये बन गया स्टूडेंट्स एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा। फिर हमने स्टूडेंट यहाँ से आयोटा कॉमन लिया, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस 3,
लेकिन जब आप इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस, ठीक है, आप इसको कह लेंगे यहां से हमने माइनस आयोटा कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पर थ्री पॉजिटिव था, जब आपने ये माइनस कॉमन लिया तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि फिर नेगेटिव नेगेटिव फिर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने ये देखा कि जेड का कॉन्जुगेट प्लस थ्री आयोटा ये किसके इक्वल है, एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस थ्री। देखिए स्टूडेंट हमें चाहिए था इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए था इस वैल्यू का, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा y माइनस थ्री होगा। देखिए ये y माइनस थ्री क्या है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है z कॉन्जुगेट प्लस थ्री आयोटा का, तो ये y माइनस थ्री, तो ये y माइनस थ्री किसके इक्वल है, सिक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस थ्री विच इज इक्वल टू सिक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू नाइन, तो जब आप y इज इक्वल टू नाइन को स्केच करेंगे तो इसकी स्टूडेंट ये हमारे पास लाइन आएगी, जो रेड कलर की ये लाइन है स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू नाइन को शो कर रही है, यानी ये क्या है, पॉइंट नाइन आयोटा है। यहाँ पर जो हमने लाइन ये ड्रॉ की है रेड कलर की, ये है y इज इक्वल टू नाइन, तो इस लाइन पर स्टूडेंट्स जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स लाइक करेंगे इस लाइन पर, वो इस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ये वाला कम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल इसको कह लेते हैं माइनस टू, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टू प्लस नाइन आयोटा, ये हमने कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड। तो जब आप स्टूडेंट्स देखें हम पहले क्या लेंगे इसका, फिर हमने लेना है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेना है। देखिए यहाँ पर गिवन है कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू माइनस नाइन आयोटा, फिर इसमें हमने क्या करना है थ्री आयोटा को ऐड करना है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे थ्री आयोटा ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस नाइन आयोटा प्लस थ्री आयोटा, ये बन जाएगा माइनस सिक्स आयोटा, ठीक है। जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव सिक्स आएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लेना था, यहाँ पर पॉजिटिव लेना था और हमने यहाँ पर लेना था, जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स माइनस आयोटा वाई, फिर इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि थ्री आयोटा ऐड किया, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस थ्री आयोटा माइनस आयोटा y, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं x प्लस यहां पर आयोटा यहां पर थ्री माइनस y, ठीक है। और इसका अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखें तो ये हमारे पास क्या है थ्री माइनस y है, ये थ्री माइनस वाई सिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि इस वाई को इस साइड पर लेके आएंगे और सिक्स को इस साइड पर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा थ्री माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से ये स्टूडेंट्स आ जाएगा वाई आ जाएगा यहाँ से माइनस थ्री। अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो सूरत में देखते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती, तो यहाँ तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, आई थिंक यहाँ से मैंने कोई मिस्टेक की होगी। तो यहाँ स्टूडेंट अगर आप इस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री को चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा पॉइंट माइनस थ्री होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यही पॉइंट ले लेते हैं माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, तो उस वक्त में देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर फिर देखें ये सेटिस्फाई हो रही है। देखें फिर हमने स्टूडेंट्स ये हमने कोई जेड कम्प्लेक्स नंबर लिया, ये हमारे पास क्या है माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, फिर आप पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टू प्लस थ्री आयोटा,
फिर अब इसमें हमने ये थ्री योटा ऐड करना है। यहाँ पर जब आप थ्री योटा ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जेड कॉन्जुगेट प्लस थ्री आयोटा कॉन्जुगेट। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट्स माइनस टू प्लस सिक्स आयोटा। जब आप इसका इमेजिनरी पार्ट लेते हैं तो वो क्या आता है सिक्स। तो ये फिर सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस पर आप इस लाइन पर इसका स्टूडेंट्स जो राइट आंसर आता है वो है वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री आता है। ये आपने करेक्ट कर लेना। आई थिंक यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। तो मिस्टेक यहाँ पर मैंने ये किया है कि यहाँ पर मैंने लेना था x प्लस थ्री आयोटा माइनस वाई आयोटा। फिर यहाँ से पॉजिटिव आयोटा हमने कॉमन लेना है, यहाँ से आ जाता है थ्री माइनस वाई। ठीक है, तो जब आप यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे वो आएगा थ्री माइनस वाई, इसको इक्वल लिखेंगे सिक्स के, वहां से आपके वाई की वैल्यू मिलेगी माइनस थ्री। तो यहाँ से ये स्टूडेंट इस ये लाइन जो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ये इस इक्वेशन के का सोल्यूशन होगी। ठीक है ना, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स इमेजिनरी ऑफ जेड माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड प्लस फोर माइनस थ्री आयोटा। लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करेंगे इमेजिनरी ऑफ जेड माइनस आयोटा को, इसको देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर हमें जेड गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके साथ हम क्या करेंगे माइनस आयोटा कर लेंगे, ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। फिर आप आयोटा को कॉमन लेंगे ये आ जाएगा वाई माइनस वन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लेना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है जेड माइनस आयोटा का। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है, यहाँ से ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास वाई माइनस वन। ये आयोटा के साथ वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से इसका आंसर आएगा वाई माइनस वन। और फिर हम स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका रियल पार्ट देखते हैं कि रियल पार्ट क्या होता है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें z की जगह आप लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई, फिर माइनस प्लस फोर, फिर माइनस थ्री आयोटा। तो फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स x प्लस फोर प्लस आयोटा वाई माइनस थ्री आयोटा। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये आयोटा कॉमन लेके लिख देंगे वाई माइनस थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस फोर। लेकिन हमें चाहिए स्टूडेंट्स इस चीज का रियल पार्ट चाहिए। तो इसका रियल पार्ट देखते हैं, वो आता है x प्लस फोर आता है। यहाँ पर हमने ये x प्लस फोर ले लिया, ठीक है इसका रियल पार्ट। फिर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे यानी y माइनस वन विच इज इक्वल टू x प्लस फोर। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ y, तो देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। फिर हम इन दोनों वैल्यूज को इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस फोर माइनस वाई प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप आज इसको मजीद सॉल्व करें तो यहां से देखें x माइनस वाई प्लस फाइव, ये फोर प्लस वन क्या हो जाएगा फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर y पॉजिटिव था स्टूडेंट्स, तो इस साइड पर आके नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था तो इस साइड पर जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहां से अगर आप y को लें तो यहां से सिंपल हमें y की वैल्यू मिलती है x प्लस फाइव। ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस फाइव, और ये स्टूडेंट्स कोई क्या है लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ये एक लाइन की इक्वेशन है। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखें नेक्स्ट स्लाइड पर, यहां पर मैंने जब ड्रॉ किया y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है। तो यहां पर ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट भी फाइव है, ठीक है ये नेगेटिव फाइव है, और ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस है टोटल, और ये क्या है वाई एक्सेस है। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो उस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेंगे। ये भी आपने स्टूडेंट्स चेक कर लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसी पॉइंट को चेक करते हैं ये जीरो और फाइव वाला, जीरो प्लस फाइव आयोटा, अगर आप इसे चेक कर लेते हैं इसको आप कह लें जेड जीरो प्लस फाइव आयोटा, इसको चेक करके देख लेते हैं ताकि हमारा आंसर वेरीफाई हो जाए। तो हमने इस यहाँ पर स्टूडेंट्स लिया है जेड की वैल्यू हमने लिया है फाइव आयोटा। देखें यहाँ पर हम जेड ले रहे हैं फाइव आयोटा, तो फाइव आयोटा यहाँ पर फाइव आयोटा माइनस आयोटा तो फोर आयोटा आ जाएगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट यानी फोर आयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या है, फोर है। लेफ्ट हैंड साइड पर फोर आंसर आता है,
अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लिया था 5 iota माइनस 3 iota, तो ये बन जाएगा राइट हैंड साइड पर 2 iota और प्लस 4। इसका हमें चाहिए रियल पार्ट, चाहिए क्या चाहिए, रियल पार्ट। रियल पार्ट यहाँ पर देखें ये 4 आ रहा है, लेकिन ये 4 ही रियल पार्ट है इसका। देखें ये 4 से 4 दोनों इक्वल आ रही हैं, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट जो हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये इसका वेरीफाइड आंसर है, ये इसका आंसर है। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन जो यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है रियल ऑफ 1 प्लस एटा जेड कॉन्जुगेट का मॉड विच इज इक्वल टू 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इस वैल्यू का रियल पार्ट देखते हैं। रियल पार्ट क्या, इसको सॉल्व करें तो यह आ जाता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। तो इसका हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस एटा वाई। फिर हम आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर 5। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव 1 होता है, तो फिर ये नेगेटिव बाहर भी है। यानी वैसे अगर आप कह रहे हैं कि नेगेटिव आयोटा स्क्वायर वो क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है। यहाँ पर सिंपल आ जाएगा आयोटा एक्स प्लस 5। फिर हमने स्टूडेंट्स क्या लेना है, 1 को ऐड करना है, तो फिर हम लिख देंगे 1 प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस आयोटा एक्स। तो फिर हम स्टूडेंट्स इस रियल पार्ट को लेदा कर लेंगे, रियल पार्ट आ जाता है 1 प्लस 5। फिर ये इमेजिनरी पार्ट है एक्स आयोटा, लेकिन हमें चाहिए इस चीज का रियल पार्ट चाहिए, तो इसका हम रियल पार्ट लेंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस 5। फिर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स के 1 प्लस 5 विच इज इसका मॉड, ठीक है इसका मॉड। तो ये रियल पार्ट का स्टूडेंट्स यानी मॉड है, तो इसका मतलब होगा कि इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हम कैसे लेंगे कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे विच इज इक्वल टू 3 आएगा। तो ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिंपल 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर आप वाई को देखें तो वाई क्या आता है, 2 आता है। अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू 2 की ये लाइन आती है, ठीक है जो लाइन है स्टूडेंट्स ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 को शो कर रहे हैं। तो इस लाइन पर जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमको ये कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम ये कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 2 iota, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा कम्प्लेक्स नंबर आएगा, 2 iota आएगा। तो हम z इज इक्वल टू 2 iota को वेरीफाई कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 2 iota, इसके साथ आप पहले मॉड यानी सॉरी आप क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो z कॉन्जुगेट यहां पर सिंपल क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो माइनस 2 iota आएगा, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि iota इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो iota z कॉन्जुगेट ये क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पर अगर आप आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है नेगेटिव 2 iota स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, ये सिंपल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट ये सिंपल क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 3 आ जाता है। फिर इसका हम रियल पार्ट लेंगे वो 3 आएगा, तो 3 का स्टूडेंट्स मॉड हमेशा 3 ही आता है। तो ये देखें ये सेटिस्फाई हो रही है, 3 यहाँ पर 3 आता है। तो मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स यही लाइन y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इस लाइन पर जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो इस इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमें गिवन है z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने वो कम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। देखें
पहले हम z स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, फिर z कंजुगेट का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, फिर उन्हें ऐड करेंगे। तो z का स्क्वायर देखिए क्या होगा, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर होगा। आप स्क्वायर ओपन करें, यह आ जाता है x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव 1 होता है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा व्हिच इज इक्वल टू z स्क्वायर। इस तरह हम स्टूडेंट फिर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ये आ जाता है x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आयोटा। ये स्टूडेंट z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया था। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2xy आयोटा से ये 2xy आयोटा कैंसिल, बाकी सिंपल आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये y स्क्वायर है नेगेटिव और ये नेगेटिव y स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2y स्क्वायर। और इसे हमने किसके इक्वल रखना है, 2 के इक्वल रखना है, तो इसका हम 2 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से फिर आप 2 को कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें सिंपल क्या इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, स्केच करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा हाइपरबोला, ठीक है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो इसको आप स्केच करेंगे तो इस तरह की फिगर आपके पास आएगी। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम तो एक पॉइंट को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप इसी पॉइंट को चेक करें तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर हम y को 0 रखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल ये आ जाता है x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें सिंपल x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z विच इज इक्वल टू 1 होगा। तो अगर आप इस नंबर को चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये इक्वेशन वेरीफाई होती है नहीं होती, ठीक है, इस पॉइंट में चेक करो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी पॉइंट्स होंगे, ये नेगेटिव 1 है, सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव 1 है, यहाँ पर अगर आप किसी पॉइंट को चेक कर लें ये पॉजिटिव 1 है। इस तरह आप इन पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट होगा इसको चेक कर सकते हैं, ये नीचे जो पॉइंट्स हैं ये आप इसी यानी कर्व पर जो भी पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें इन कर्व पर, ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोला है, तो इन कर्व पर जो भी पॉइंट्स होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो फॉर एग्जांपल मैं z इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1, देखते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती। तो हमने z इज इक्वल टू 1 लिया है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा सिंपल, तो z कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स 1 का कॉन्जुगेट वही 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 स्टूडेंट्स ये सिंपल 2 आ रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह स्टूडेंट आप बाकी पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ये इस जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है इसका क्या होगी, सोल्यूशन होगी। इसको हमें स्केच भी कर लिया नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है रियल ऑफ जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में जेड स्क्वायर फाइंड किया था, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो हमें जेड स्क्वायर का क्या चाहिए, रियल चाहिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर हमें इसे रखना है 1 के इक्वल रखना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये अगेन स्टूडेंट्स फिर हमारे पास क्या ये हाइपरबोला है, ये वाला स्टूडेंट्स ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये दोनों जो स्टूडेंट्स ग्राफ हैं वो इसी हाइपरबोला के ही ग्राफ हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो इन ग्राफ पर ही जो पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसी 1 को चेक कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर वो 1 आएगा,
रियल ऑफ वन हमेशा वो वन ही आता है, ये वन के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसको आप बाकी पॉइंट्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो यही हमारे पास इक्वेशन आएगी जो रियल ऑफ जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन का सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमने स्केच करना था आर्गुमेंट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 5/4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड सिंपल क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो इसका स्टूडेंट्स स्केच क्या होगा, ये हमारे पास जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइन ये हमारे पास क्या शो कर रही है, थीटा शो कर रही है, थीटा विच इज इक्वल टू 5/4। तो इस लाइन पर स्टूडेंट्स हम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं इस लाइन पर, तो उसका हमेशा थीटा क्या आएगा, 5/4 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से कोई पॉइंट, तो यहाँ पर स्केल तो यहाँ पर नहीं है, अगर आप कोई भी यहाँ पर पॉइंट लेंगे स्टूडेंट, जब आप इसे स्केल पर यानी स्केच करेंगे तो इस तरह कम्प्लेक्स प्लेन पर इस तरह ये पॉइंट्स भी लिखे होंगे। ठीक है, यानी ये कोई जो भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पर जब लिखे होंगे तो उसको आप देखेंगे, तो स्टूडेंट्स उसका जब आप आर्गुमेंट निकालेंगे, थीटा निकालेंगे उस कम्प्लेक्स नंबर का, वो हमेशा 5/4 ही आएगा। यानी ये क्या होगा, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का। कि आप इस लाइन पर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन ये वाले कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, या यहाँ पर जो भी कम्प्लेक्स नंबर आएगा अगर आप उससे वो ले लेते हैं, तो उसका थीटा हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 5/4 ही आएगा। तो ये लाइन ही इसका क्या है, सोल्यूशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।